हेलो। तो आज आपको दिखाने वाली हूँ लग्जर का जूनियर 12 कलर पेन। वॉशेबल है, जंबो कलर पेन्स वाइब्रेंट कलर के साथ मिल जाता है। प्राइसिंग वगैरह दिखाने वाली हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, और किस टाइप की वीडियो चाहिए भी मुझे बता सकते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसका रिव्यू, और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के पेन से मिल जाते हैं। तो ये है 12 कलर पेन है और वॉशेबल है, जेम्बो कलर पेन्स के साथ में वाइब्रेंट कलर मिल जाते हैं। स्किन कलर पेन इनसाइड आपको ऑलरेडी मिल जाता है, इसमें स्किन कलर का पेन भी मिल जाता है। तो ये इसकी डिटेलिंग वगैरह है, कलर का शेड वगैरह आपको यहाँ पे, पेन का शेड जो है यहाँ पे ये दिख रहा है ना, तो पेन का शेड वगैरह ये दिख जाएगा। ओके, और ये देख सकते हैं। प्राइजिंग बता दूँ आपको, 12 कलर्स कलर पेन है इसमें 80 रुपीज़ की, 80 रुपये का है ये सेट। और सेल्फ इस तरह की पैकेजिंग इसकी आती है, और यहाँ से इसको ऐसे ओपन करते हैं और ये है, ठीक है। तो कलर देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कलर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये ब्लैक, ब्राउन, ये स्किन कलर जो बताया था, ये रानी कलर जिसे हम पिंक भी कहते हैं, पर्पल, ब्लू, और ये लाइट ब्लू जिसे हम स्काई ब्लू कलर कहते हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ऑल 12 कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो ये ऑल 12 कलर्स हैं। कलर्स चलो तो फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये हैं, और तो सबसे पहले रेड कलर यूज करेंगे। ये है रेड कलर, और देन येलो। यहां मैंने चूड़ी लिया है और जल्दी जल्दी से दिखा रही हूँ आपको, अब देख सकते हैं। ये रहा रेड एंड येलो। ओके, नाउ आप बताओ मैं कौन सा कलर यूज करूं। तो रेड फैमिली की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं रैंडमली कोई भी पैटर्न बना रही हूं, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ यूज करेंगे ब्लू। ओके, वैसे यहां पे यूज करना चाहिए था ऑरेंज कलर, राइट। तो हम थोड़ा सा अलग लुक देंगे और ऑरेंज कलर से इसमें करेंगे लाइंस को ड्रॉ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो कप है ना, ये मैं यूज करती हूँ अपने आर्ट्स में। ये तो रैंडमली बना रही हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है फ्री टाइम में तब मैं इसका यूज करती हूँ। हाँ, और अब आ गया है ग्रीन कलर की बारी। तो ग्रीन कलर से हम आउटर का यूज कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने पैटर्न बनाया, कोई खास नहीं बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अब आ गया है ग्रीन के बाद ब्राउन की बारी। तो आप चाहें तो कुछ और कलर यूज कर सकते हैं, बट मैं इस कलर का यूज कर रही हूँ। ओके, और पिक्चर पे ध्यान मत देना, आपको जिस तरीके की अच्छी लगे आप उस तरीके की पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ रैंडमली दिखा रही हूँ कि कौन कौन से कलर जो है आप यूज कर सकते हैं। ये है स्किन कलर, तो उन्होंने बोला था कि स्किन कलर अंदर की एडेड है, तो ये वही स्किन कलर है और अच्छा स्केच पेन है। ओके, तो रैंडमली जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं, कभी फुर्सत मिलेगी तो आपको अपनी ड्राइंग भी दिखाऊंगी। बाकी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी ड्राइंग्स जो है वो पोस्टेड की है, ये ग्रीन कलर। ओके, तो अब हम यूं कर देते हैं कुछ, और मुझे पता है कि मेरे से अच्छे अच्छे बहुत से ड्राइंग लोग बनाते हैं, लोग शेयर भी करते हैं। मैं सिर्फ आपको कलर्स दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ कि कौन कौन से कलर्स हैं, और तो जो मुझे समझ में आ रहा है ड्रॉ वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लू कलर से मैं 25 फ्लावर पैटर्न्स बना दूंगी, और मंडाला आर्ट में कभी कभी मैं कलरफुल जो मंडाला आर्ट करती हूँ तो उसमें मैं इसका यूज़ करती हूँ। और मेरे पास एक और स्केच पेन है डॉम्स का, वो 24 के सेट का है, तो उसका भी रिव्यू जल्दी शेयर करूँगी। हाँ, वो वाला भी मैं यूज़ करती हूँ, ये वाला भी यूज़ करती हूँ। हाँ, तो दोनों ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। हाँ, और वैसे तो ज़्यादातर मंडाला आर्ट में ना मैं कलरफुल वाले में यूज़ करती हूँ, और ब्लैक पेन का भी बहुत यूज़ करती हूँ मैं उसमें। हाँ, क्योंकि मैं भी सिर्फ सिंपल सिंपल करती हूँ, ज़्यादा ड्राइंग्स बनाने के बाद ना
वो जो ड्राइंग्स हैं वो पड़े रह जाते हैं। तो सारे जो 12 कलर्स हैं वो मैंने यूज़ किए हैं और आपके साथ शेयर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर से बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब का बटन तो आपको पता ही है कहाँ पर है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट कलर आपको मिल जाता है पर्पल शेड। और अब मैं सोच रही हूँ पर्पल शेड से अंदर से ना कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बना दूँ तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। आप मेरे को बताना कि कलर्स कैसे लगे हैं। प्राइसिंग वाइज 80 रुपये की स्केच पेन मिल जाती है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर के तौर पे, राइटिंग के तौर पे, क्राफ्टिंग के तौर पे, हाँ किसी भी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आप बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन बाय कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑफलाइन बाय किया है। तो ये है आज की ड्रॉइंग और ये है आज के प्यारे से कलर्स। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार। तो थिकनेस ये मैंने बना लिया है और थिकनेस मैंने इस तरीके की रखी है, आप देख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप और इसमें क्या ऐड करते हैं। मैंने तो चाय पत्ती का पानी सिर्फ डाला था और इस तरीके के थिकनेस से बहुत हार्ड मैंने नहीं बनाया है। चलिए फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं और पहले हेयर्स को पार्ट में कर लेंगे और इस कॉम्ब से, इस ब्रश से हम अप्लाई करेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं और ब्रश से लगा रहे हैं। तो उसमें आप बालों को पार्ट पार्ट करके लगा सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। मैं खुद से ही लगा रही हूँ, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलो फटाफट से करते हैं और एक घंटे तक उस रखना है, एक घंटे डेढ़ घंटे आप रख सकते हैं।